हद होती है किसी। नहीं नहीं नहीं, सोते हुए इंसान को कभी जगाना नहीं चाहिए। मैं पर ये तो भगवान है भाई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आप शिवाय हैं, विष्णु जी नहीं, और ये मेरा पलंग है, शेष नाग की शैया नहीं है। अंडरस्टैंड? ये बाहर का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो भगवान दास? क्योंकि ये जो बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो रायता आप ही ने तो फैलाया है। अरे भगवान दास, मैं रायता खाता ही नहीं और दही से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर दूध चढ़ाते हैं, पर एक बात बताऊं, मुझे वो भी पसंद नहीं, क्योंकि दही दूध मक्खन इन सब पर तो श्री कृष्ण भगवान का अधिकार है। वाह वाह वाह, टिंगल बाजी, मतलब मस्ती सूझ रही है आपको, मतलब टंगड़ी खिंचाई में बड़ा आनंद मिलता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर 108 बार ओम नमः शिवाय का पोस्ट कार्ड का जो ड्रामा चल रहा है वो तो क्या है ये सब? मतलब सवाल भी खुद कर रहे हो और उसका जवाब भी खुद ही दे रहे हो। तो मतलब मानते हैं आप कि ये सब ड्रामा है? शत प्रतिशत। तो क्यों क्यों करवा रहे हो भाई ये सब? वो पहला पोस्ट कार्ड मैंने लिखा था। नो। क्या मैं पोस्टमैन हूँ जो लेटर लेकर घर पर आया? नो। क्या मैंने किसी को कहा कि मेरा नाम 108 बार लिखो? नो भाई नो। नहीं, ये नो नो क्या है भगवान दास? क्या तुमने मुझे फुर्सतिया समझ रखा है कि लाखों करोड़ों पोस्ट कार्ड बैठकर मैं चेक करूं? हाँ भाई देखो, सबने नाम लिखा है कि नहीं, और जिस जिसने लिखा है उसने पूरा 108 बार लिखा है कि नहीं ओम नमः शिवाय? हाँ देखो, ये रह गया, और जो रह गया मैं उसे दंड दूंगा, सजा दूंगा, उसे मैं उसके सारे काम बिगाड़ दूंगा, उसे नौकरी से निकलवा दूंगा, उसके बच्चों को फेल कर दूंगा, उसे बुखार ले आऊंगा। अरे नहीं, 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 मतलब क्या समझ रखा है? अरे नहीं भाई, शांत, अरे शांत, अरे शांत हो जाओ भाई। अरे खाम खा, अगर तीसरी आंख खुल गई तो तूफान आ जाएगा, प्लीज। बस अब तो यही कसर बाकी रह गई थी भगवान दास, और तुम ये साबित करना चाहते हो कि मैं छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों से तूफान ले आता हूँ? भैया तूफान क्या लॉलीपॉप है, चॉकलेट है जो मैं यूं ले आऊंगा? अरे बिना बात के, विदाउट नो रीजन भड़क रहे हैं आप। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जो पोस्ट कार्ड ड्रामा है, ये जो कांड है वो आपने किया है, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज इसे रोको। मैं कैसे रोकूं भगवान दास? मतलब नहीं, ऐसे कैसे कैसे रोक सकता हूँ मैं? अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं एक एक लोगों के पास जाऊं, उनसे पोस्ट कार्ड छीनूं और फाड़ दूं, उनसे पेन छीन लूं, अगर ये कर भी दिया तो वापस खरीद लाएंगे? नहीं, मेरे पास तो अब कुछ और काम बचा ही नहीं है, बस एक ही काम रह गया कि उससे पेन छीनूं, इससे पोस्ट कार्ड छीनूं, फिर पेन छीनूं, फिर पोस्ट कार्ड छीनूं, फिर पेन छीनूं, फिर पोस्ट कार्ड छीनूं, फिर मैं पेन छीनूं, फिर पोस्ट कार्ड, पेन, एक मिनट यार, मैं बोलूं? बोलो चौबे साहब। थैंक यू सो मच। एक मिनट देखिए प्रभु, ये जो मामला है ये श्रद्धा का मामला है। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है भगवान, ये श्रद्धा का मामला है? सोच क्या रहे, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा तो ये कहती है शिवाय कि श्रद्धा और आस्था के मामले में किसी की भी भावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मेरा कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, लगता नहीं बल्कि मैं जानता हूं कि ये श्रद्धा से ज्यादा डर का मामला है कि मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, मेरा कुछ अनर्थ ना हो जाए। भगवान दास, जब तुम सब कुछ जानते हो तो जाओ, जाकर सबको समझाओ। मैं क्या समझाऊं? अरे ये समझाओ भगवान दास कि डर से किए गए किसी भी कार्य का परिणाम हानिकारक ही होता है। अब नहीं नहीं समझा सकते शिवाय, और किस किस को समझाऊं? मुझे एक बात बताओ, ये तो दो चार लोग मेरे घर में बैठे हैं, ये सिर्फ इतने ही नहीं है, बाहर निकलो तो मतलब लाखों करोड़ों लोग हैं। पहले अपने घर के लोगों को समझाओ, घर को साफ करो, ये देश ये समाज अपने आप साफ हो जाएगा। नाइस आइडिया, तो जाओ। लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है भैया, इन्हें तो ईश्वर ही समझाएगा। मैं फ्रेश होकर आता हूं, ठीक है? ईश्वर मनुष्य के भीतर ही बसता है, अब समझाना तो तुम्ही को पड़ेगा भगवान दास। पर वो क्या है ना कि जब तक पानी सर के ऊपर ना चला जाए आप लोग समझते नहीं, मतलब जब तक आप लोग ठोकर ना खाओ तब तक आप नहीं समझो। अब यदि ऐसा है
तो ऐसा ही ठीक, देखते हैं। तथास्तु।